भाई जरा सबर करो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आमची मुंबई। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PhD ब्लॉग्स। तो अभी हम ब्लॉग के बीच में कैसे है, तो बात ऐसे है कि प्रबलगढ़ का वीडियो शूट हो चुका है पहले, और हम उसका इंट्रो अभी बना रहे हैं क्योंकि उसका रीज़न था तब हम गिर चुके थे बीमार। एक दिन पहले मुझे बहुत भूखा रहा था, बट अगर हमने वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा आपके लिए। तो हमने जैसे तैसे करके ब्लॉग बनाया। ब्लॉग बनाने के बाद और एक मुश्किल आन पड़ी, जब हम घर पे आए और हमने एक्शन कैमरा देखा तो ये देखा कि वीडियो के कुछ ऑडियो फाइल करप्ट हो चुके थे। बट कुछ वीडियो के फाइल्स ऑडियो है। तो फाइनली गाइस हम यहाँ आ चुके प्रबलगढ़। अभी बहुत दूर है, अभी यहाँ से हम दिखाते हैं आपको। ये है प्रबलगढ़ और यहाँ पे कला बनती नहीं। अभी मैं यहाँ से व्लॉग चालू करूँगा क्योंकि जो नीचे से हमने सफ़र तय किया है वो मेरा भाई जो मेरा बचपन का यार है अक्षय कामरे, उसका मैं यूट्यूब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आधा ब्लॉग मित्र मंडळी आणि आपला भाव पहिल्यांदा शूट करतोय, ब्लॉग शूट करतोय, तर प्लीज याला सपोर्ट करा। माझे जेवढे सबस्क्रायबर आहे जसं याचं मी मेन्शन करीन यूट्यूबचं चॅनलचं नाव आणि इंस्टाग्राम नेम, तर प्लीज याला सपोर्ट करा यार, नवीन आहे। कारण थोडं नवीन असल्यावरती थोडं म्हणजे होतात ना, एक मोटिवेशन पाहिजे आपल्या भावाला, तर प्लीज सपोर्ट, कीप सपोर्ट गाईज। मेरे चॅनल में हिंदी ब्लॉग आने वाला है, कोरिसके चॅनल में मराठी ब्लॉग आने वाला है। सिर्फ एक ही मेरा जा रहा है मराठी ब्लॉग, क्योंकि मी मराठी प्लेसवरती आलो आहे। म्हणजे महाराष्ट्रामधला हा प्रसिद्ध किल्ला आहे जुन्या काळातला, 1635 का 65 मधला, म्हणून मी मराठी ब्लॉग शूट करतो, नाहीतर आपले असे नॉर्मली हिंदी ब्लॉग असतात। असं काय नाही की हिंदी मराठी लँग्वेज आहे। को करीब करीब 9 बज चुका है, अभी 1.5 घंटा हो गया हमें। आप देख सकते हो हम यहाँ पे नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे एक छोटा गाँव है, यहाँ पे आप रेंट पे टेंट लेके आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। और अभी हमें यहाँ से पता चला है कि अभी हमें ऊपर चढ़ने के लिए करीबन करीबन 2 घंटा लगेगा। तो देखते हैं अभी आगे का सफ़र। तो मेरे मित्र मेरे भाई अक्षय कामले के व्लॉग में आने वाले हैं, तो आप उनको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हम सीधा मिलते हैं अभी ऊपरी देर में पहुँचने वाले ऊपर। अब हमने ऑलमोस्ट 70% कम्प्लीट कर लिया है। यहाँ से कुछ आधा घंटा लगेगा। यहाँ पे एक बुज़ुर्ग आदमी थे, जो दादाजी थे, उन्होंने बताया कि कुछ आधा घंटा यहाँ से लगेगा। बस फ़िलहाल हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं कि हमने बहुत टाइम से रेस्ट लिया नहीं है। तो यहाँ पे थकान की वजह से थोड़ा हम इलेक्ट्रोल पाउडर डाल के थोड़ा हम रिकवर हो रहे हैं। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, थोड़ा अभी विश्राम कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा दुकान है, यहाँ पे आपको मैगी, ककड़ी और जूस, वाटर बॉटल्स यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में है कलावंती दुर्गा और राइट साइड में है छत्रपति शिवाजी महाराज का राजवाड़ा और गणपति बप्पा का एक मंदिर है। देखते हम अभी कुछ थोड़ा खा लेते क्योंकि इतना ऊपर चढ़ के बहुत भूख लगी है। अभी देखते हैं। तो फाइनली गाइस हमें जहां आना था वो हमने मंजिल पा लिए मेरे दोस्त के साथ अक्षय कामरे। बहुत दूर तक तय किया है सफ़र, बहुत वक्त के बाद। कोविड को 1 साल हो गया है, उसके बाद हमने ट्रैक किया है, तो बहुत डिफ़िकल्ट था बट फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया है। कलावंती फोर्ट है, यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। और ये उसके जो छोटे छोटे स्टेप्स है चढ़ने के लिए,
और ये यहाँ का व्यू। मुझे एक यहाँ पे आके एक सीख मिली है, अगर आप किले पे आते हो तो आप मेक श्योर करो कि वाटर बॉटल ज़रूर लेके आना, वाटर बॉटल, ककड़ी, नींबू, नमक और कुछ फ्रूट्स खाने के लिए, क्योंकि ऊपर आने तक बहुत प्यास लगती है। पता चला है कि सैटरडे संडे को यहाँ पे दुकान चालू रहता है और अदरवाइज अदर डेज में यहाँ पे दुकान चालू नहीं रहता है, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप अगर आप सैटरडे संडे नहीं आ रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप मेक श्योर करें कि दो दो पानी के बॉटल तो लेके आए और नींबू, क्योंकि हमें बहुत प्यास लगती है। और अभी हमारा सफ़र था वो मेरे भाई के चैनल में आने वाला है। कितने ब्लॉग्स आने वाले इसके? मैंने मतलब ब्लॉग्स तो बड़ा मतलब मेरा हुआ है, तो मैं उसमें दो मतलब एक ही ब्लॉग को दो डिवाइड करने वाला हूँ। मतलब पूरा तो अभी 18-19-20 मिनट का, पता नहीं कितने मिनट का होएगा, पर उससे मतलब बड़ा ही होगा वीडियो, तो इसलिए मैंने सोचा कि डिवाइड करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक होगा, भाई का इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप इंस्टाग्राम ज़रूर चेक कीजिएगा, इसके जो पिक्स है ना। तो जाने से पहले मुझे आपके सजेशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आपके सजेशन दे दीजिए पिछले ब्लॉग और इस ब्लॉग का थोड़े से इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं या नहीं, और मुझे और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अभी फ़िलहाल मुझे गरज है एक माइक की, तो जल्दी से एक माइक लेने वाले हैं। इम्प्रूवमेंट भी ज़रूरी है, ब्लॉग में कम्युनिकेशन का भी सुधार ज़रूरी है। धीरे धीरे करके हम अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए भी मुझे आपकी सपोर्ट है। तो इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे मेरे दोस्त के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगला व्लॉग संडे को आ जाएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय, जय महाराष्ट्र।